तो श्रीलंका में इस समय क्या हालात हैं उसकी जानकारी हमने आपको दी, पाकिस्तान में इस समय क्या कुछ चल रहा है वो हमने आपको बताया। मेरे सहयोगी आशीष कुमार से ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए भारत के दोनों ही पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देशों में स्थिरता रहना अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं क्या हालात हैं, श्रीलंका में आप देख रहे हैं क्या हालात हैं, और सीधा सीधा आरोप श्रीलंका के लिए ये लग रहा है कि ये जो मुफ्त की जो सियासत होती है उसकी वजह से आज श्रीलंका यहाँ खड़ा हुआ है, तो क्या भारत को सबक लेने की जरूरत है? निश्चित तौर पर सीधा आरोप फर्स्ट फैमिली पर है, राजपक्ष फैमिली। जिस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा सत्ता कब्जाया हुआ है उन्हीं के खिलाफ ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। जो अभी हमारे सहयोगी प्रणय की रिपोर्ट थी इसमें बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि किस वजह से लोग नाराज है। देखिए, रुपी डीवैल्यूड है और फॉरेन करेंसी इनके पास रही नहीं, एकदम लो है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे निकलने का रास्ता सिर्फ यही हो सकता है जब उनको फॉरेन असिस्टेंस मिलेगी, और यही एक वजह है कि आज हमने दोपहर में देखा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की। बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। एक अपडेट में आपको दे दूं कि आज हमें ये पता चला था कि जो 26 मंत्रियों ने का इस्तीफा हुआ था उसके बाद नई कैबिनेट का स्वेरिंग इन होना था, लेकिन 4 नए मंत्रियों को वहां के राष्ट्रपति ने अपॉइंट कर दिया। हालांकि उसको भी ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का है इनके कोलिशन पार्टनर्स से। कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति, आर्थिक संकट भी है, पॉलिटिकल संकट भी है। राष्ट्रपति कह जरूर रहे हैं कोलिशन पार्टनर्स को कि हम सब लोग आए एक साथ, आप लोग भी मिनिस्ट्रियल बर्थ ले, लेकिन वो बहुत ज्यादा इन प्लेस होता दिख नहीं रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा, इसके इस बीच एक और बड़ी खबर आई थी कि इनके जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो डीप इकोनॉमिक क्राइसिस है और मुझे लगता है इससे निकलने का रास्ता पहले तो गवर्नमेंट इन प्लेस हो और दूसरा फॉरेन असिस्टेंस अगर टाइमली मिल पाती है तो ही इससे निकलने का एक रास्ता बन सकता है। शुभ, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।